हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th को इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस बार की जो हमारी यूनिट है द लिविंग वर्ड, उसी का ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने इस यूनिट के दोनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और ये इस थर्ड चैप्टर दैट इज़ द प्लांट किंगडम। तो आइए, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दैट इज़ द साइनो बैक्टीरिया आर क्लासीफाइड अंडर। जो क्लासिफिकेशन इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि साइनो बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया को आरएच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा के अंदर रखा हुआ है। तो साइनो बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर द मोनेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज समड। कह रहे हैं कि अगर दो गैमीट हैं जो मोटाइल हैं, लेकिन साइज में कैसे हैं, डिसिमिलर हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो जो साइज में डिसिमिलर्स होते हैं, मोटाइल्स गैमीट होते हैं, इसको बोलते हैं एनाइसोगैमी, है ना। एनाइसो अपने आप में टर्म ही है, डिसिमिलर इन साइज। नाउ नेक्स्ट, होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रोंड कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। तो जब आप लोगों ने प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कि एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक हम लोग प्लांट को पढ़ते हैं, प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। तो जो होल्ड फास्ट है, स्टाइफ है, फ्रोंड है, ये आपका फियोफाइसी का करेक्टर है ना, फियोफाइसी के अंदर पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड एंड इज हैप्लॉइड। यानी एक प्लांट है, लिख रहे हैं कि इसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, थैलस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, राइजोइड्स हैं, हैप्लॉइड है। इट नीड्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमीट आर मोटाइल। कह रहे हैं कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, मेल गैमीट इसका मोटाइल है। आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इट बिलोंग। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे करेक्टर आपको किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। यानी मेन पहला पॉइंट आपका जो मिला है, थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो प्लांट जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनकी बॉडी का क्लासिफिकेशन क्या है, थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये थैलस क्या है, है ना। तो जब तक ट्रू रूट है, लीफ है ना, ट्रू रूट लीफ स्टेम, इन सब का डिफरेंशिएशन जब तक नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी जब तक प्लांट के अंदर वेल डेवलप्ड लीफ है, रूट है, स्टेम है, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो उसको आप थैलस बॉडी बोलते हैं। तो ये ब्रायोफाइट का करेक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथेलस इज ए, अब प्रोथेलस क्या है। तो प्रोथेलस के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है ना, आपने पढ़ा होगा। अब गैमेटोफिटिक में तो पहला स्ट्रक्चर फॉर्मड इन द थैलस, स्पोरोफिटिक तो नहीं है, एक गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रोथेलस इज ए गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्मड इन द टेरिडोफाइट। तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्रोथेलस है, ये क्या है, फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, जो टेरिडोफाइट में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कंडीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यानी जो प्लांट डिप्लॉयड है, वेल अडेप्टेड है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए, दे ग्रो वियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, और जिनके अंदर कोन्स पाए जाते हैं, द ग्रुप बिलोंग्स टू ग्रुप। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। आप लोग जानते हैं कि जब आप ब्रायोफाइटा, एल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, तो आप लोग जानते हैं कि जो टॉलरेंस लेवल है प्लांट का, या ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होने की जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लैंडस्केप। यानी पूरी जो का है, हर जगह आपको ग्रो मिल जाएगा। उनका जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो क्या है, हाई है, इसीलिए उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है, इट इज 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है, 7 celled है और 8 nucleated स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन एंडोस्पर्म। तो मान लो डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोजोम कितने हैं, 36 हैं, तो हैप्लॉयड में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे,
ठीक है, एन बराबर हैप्लॉयड आधा, इसका क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एंडोस्पर्म के अंदर, तो आप लोग जानते हैं कि एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है यानी 3n स्ट्रक्चर है, तो 3 × 18 दैट इज 54, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनीमा इज ए, तो प्रोटोनीमा क्या है, एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, प्रोटोनीमा क्या है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मॉस, और ये कह सकते हैं कि मॉस के अंदर प्रीडोमिनेंट गैमेटोफिटिक स्टेज है और ये हैप्लॉयड है, है ना, तो प्रोटोनीमा कहाँ पाया जाता है आपका, मॉसिस में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जाइंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकुआ सेमी परवियंस इज एन, तो जो आपका सिकुआ प्लांट है ये क्या है, आप लोग जानते हैं वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट दैट इज द जिम्नोस्पर्म, ये आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म है, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।